महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव की हवा चल रही है। सोमवार को भाजपा के लिए महत्वपूर्ण दिन रहा। एक और विधान परिषद के उम्मीदवार चंद्रशेखर बावनकुले ने अपना नामांकन पत्र भरा। वहीं दूसरी ओर भाजपा के ज्येष्ठ नेता छोटू भोयर ने भाजपा छोड़ कांग्रेस में प्रवेश किया। महाराष्ट्र में आगामी कुछ दिनों में विविध प्रकार के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में पक्ष प्रवेश भी जोरों पर है। सोमवार को भी भाजपा को एक बड़ा धक्का मिला है। भाजपा माजी उप महापौर छोटू भोयर ने पालक मंत्री नितिन राउत और मंत्री सुनील केदार की उपस्थिति में छोटू भोयर ने कांग्रेस में प्रवेश किया। प्रवेश के बाद भोयर ने कहा कि जब तक साहस है तब तक कांग्रेस में रहूंगा, इस बार मनपा में कांग्रेस की सत्ता आएगी। सर्व पदाधिकारी कांग्रेस पक्षाचे नगरसेवक आणि उपस्थित सर्व कार्यकर्ता बंधू आणि भगिनी, मला असं वाटतं की 34 वर्ष मी भारतीय जनता पार्टीच्या राजकारणामध्ये आहे। मी भारतीय जनता पार्टीच्या राजकारणामध्ये 20 वर्ष महानगरपालिकेचे घालवले। मी या शहरात उपमहापौर म्हणून त्या ठिकाणी राहिलो। मला आज अनेक पत्रकारांनी विचारलं की तुम्ही भारतीय जनता पार्टी सोडण्याचा निर्णय का घेतला आणि तुम्ही संघाचे शिस्तबद्ध स्वयंसेवक आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपुर।